بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं कोचाधामन ब्लॉक और बहादुरगंज ब्लॉक के ज़ेर एहतमाम दीनी तालीमी बोर्ड का एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम टेना जामिया सईदिया के अंदर रखा गया है, जिससे इस्सा का रखने का मकसद यह है कि उलमा के अंदर और हमारे नौनिहाल बच्चों के अंदर जो दीन की से दूरी है, जो तालीम से भी दूरी है, जो एजुकेशन से वो दूर होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उन तमाम बच्चों को एक जगह एक प्लेटफार्म में लाकर उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता करना है। और वो बच्चे जो हमारे आज तालीम से दूर होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उनका इन तमाम प्रोग्रामों का मकसद यही है कि उनको तालीम से जोड़ा जाए और एजुकेशन के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए, उनको तालीम के अंदर उभारने के लिए उसे कहा जाए। और यही हमारी जमीयत कोचाधामन और बहादुरगंज और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे जमीयत उलमा किशनगंज के तरफ से यह मेहनत आज 5 दिन से चल रही है और इंशाअल्लाह 30 तारीख तक ये मेहनत चलेगी कि हम सब मिलकर किशनगंज के अंदर एजुकेशन और तालीम को ज़ोरों के ऊपर लाएँ कि हमारे हर बच्चे के हाथ में कलम कापी हो। जो बच्चा आज गिल्ली डंडा लेकर खेल रहे हैं, उनकी ज़बान से गालियां निकल रही, उन सब बच्चों के हम ये देखना चाहते हैं कि उनके हाथों के अंदर कलम और कापी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेशन को हासिल करने वाले बने। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हम जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से दोनों चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारा एक प्रोग्राम कल ठाकुरगंज महन के अंदर है और 30 तारीख को इजलास आम लोहागरा हाट के जामे मस्जिद के अंदर रखा गया है, जिसमें हमारे अकाबिर उलमा किशनगंज और फिर पटना के हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना नाजिम साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और इन सब प्रोग्रामों का मकसद एक ही है कि हम किशनगंज के अंदर एजुकेशन और तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें, इसको तालीम को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। अभी देखिए, जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली की मीटिंग में हम लोग गए थे पिछले दफ़ा, चूँकि लगभग 2 साल से तालीम का मायार इतना घट गया है, घट क्या गया है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मकतब नहीं जाते हैं, मदरसे नहीं जाते हैं, जिसके चलते आधा बच्चा तो तालीम से हट चुका है। इसमें जमीयत उलमा हिंद ने फैसला लिया कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको जारी रखने के लिए एक मकतब कायम किया जाए, हर गांव में हो या हर मोहल्ले में हो या हर पंचायत में हो, ताकि तालीम का सिलसिला वो बच्चों का टूटे नहीं। बच्चा अगर 2 साल घर में रह गया, 3 साल घर में रह गया, तो जाहिर सी बात है तालीम उसके दिमाग से हट जाएगा। यानी ये पहल जमीयत करेगी और इसके अखराजात भी जमीयत उठाएगी। अखराजात तो अलग बात है, लेकिन कोशिश हम लोग करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग खर्च भी करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या इसमें कुछ अरे देखेंगे, मौजूद समझेंगे तो हम लोग उसमें कुछ मदद भी करेंगे जी। और बच्चे को एक्चुअली लाइन पर तालीम के लिए लाना हम लोग मुनासिब समझें, उसके लिए जो मतलब इस्तेमाल करना पड़े हम लोग